ये गिठा लगा ले, फिर खूब गले लग के रोएंगे अपनी मम्मी से। तुम बिल्कुल नहीं बदली अम्मा, 12 बरस बाद भी वैसी की वैसी हो। जब हम पटना से मुन्ने चाचा के साथ चले थे तब भी तुम गुलाबी रंग का स्वेटर बुन रही थी। हम ओसारे में खड़े वो चलिया दाबे तुम्हें आने का इंतजार कर रहे थे। कल्लन आके बोला, अम्मा को तुम्हारे जाने का मालूम है पर वो स्वेटर बुनती है और उधेड़ती है, कोई जवाब ना ही देती। तुम्हारे दूल्हा कै बजे आते हैं काम से? वो यहां नहीं होते हैं, शहर से बाहर होते हैं। हफ्ते में एक आध बार चक्कर लगा लेते हैं। बच्चा ना ही हुआ? नहीं। ताना वाना तो नहीं देते? कहते हैं कि खुदा के काम में किसका दखल। Thank you.
तुम अभी तक नहीं सोई अम्मा? बस सेटर बुनने में लगे थे, का पता ही नहीं चला। बुनने में लगी थी या उधेड़ने में? हाँ भाई, बत्ती बुझा देती। बड़े शहरों में तो वैसे भी बत्ती का बिल बहुत आ गया। अभी से ही अपने बेटे याद आने लगे? अम्मा अभी तो सिर्फ 5-6 दिन हुए हैं तुम्हें आए हुए। हम उनका नहीं याद करें, हम तो तुम्हारी वजह से परेशान हैं। तुम्हारे यहाँ कोई बच्चा जो नहीं हुआ। अरे काहे झूठ बोलती हो अम्मा, काहे झूठ बोलती हो? ये तुम्हारे जो आंसू है ना, वो हमारी औलाद के लिए नहीं, तुमने अपनी औलाद के लिए बहाए। तू भी तो हमारी औलाद है। अब तू का छोड़कर कहीं नहीं जाएंगे हम, कभी नहीं जाएंगे, यहीं रहेंगे तुम्हारे पास पाकिस्तान में। जला दिए हैं हम अपना हिंदुस्तानी पासपोर्ट। तुमको याद है मुन्नी, वो जो हमारे घर से 2-3 गलियां छोड़कर सबूर भी रहती थी, वो जिनसे तूने और संजले ने कुरान पढ़ा था, वो की बिटिया मिली थी हमका रुकैया खाला के यहाँ। कहने लगी अम्मा ने तो कराची जाकर अपना कागज़ वागज पासपोर्ट सब फाड़ डाला, अब ठाट से पाकिस्तानी शहरी बनकर अपने भाई के यहाँ रहे हैं। वहाँ हिंदुस्तान में बहुत सख्ती है, यहाँ पाकिस्तान में नहीं। परेशानी का कोई बात नहीं है बाबू। अभी मोना बाबू वाली ट्रेन में भी हमारा एक अहमदाबाद की औरत से बहुत बहनापा हो गया। वो हमका बताईस, वो भी कराची जाकर अपना पासपोर्ट वासपोर्ट सब भर देवेगी। कहीं कोई ना ही पूछता है, बस थोड़ा सा ऊपर से दाल दलिया करना पड़े है कानूनी लोगन का। हमें अपने पास नहीं रखेगी मुन्नी। अपने पास रख ले मुन्नी, हम तुम्हारा सब काम करेंगे। हमको अपने पास रख ले मुन्नी, हमको अपने पास रख ले मुन्नी, रख लेना बाबू, हमको अपने पास रख ले बाबू। हमें उनसे पूछना होगा, तुम उनका अच्छी तरह समझाना ना बाबू, तुम्हारी बात थोड़ा ना थोड़ा ना टालेंगे। बीवी तो अपने मर्द से सब कुछ मनवा लेती है। तुम उनका अच्छी तरह समझाना ना बाबू, तुम्हारी बात थोड़ा ना टालेंगे। क्या बात है अम्मा,
अकेले जी घबरा रहा है, यहाँ बैठ जाए तुम्हारे पास। बैठ जाओ। अब कहाँ है अम्मा? तुमसे कब तक छिपा सकते हैं? फिर हमसे बहुत अरसे तक झूठ बोला भी नहीं जाता। अजीब सी ऐंठन होती है। कभी का कसूर, छुटपन में ही शादियां हो गए बेचारों की, ढेर सारे बच्चे हो गए, छोटा पड़ रहा था घर चारों के लिए। ऐसा ना ही कि अपने मुंह से बोले हूं हमें निकल जाने को, हम खुद ही निकल पड़े उनकी मजबूरी देखकर। तुम्हारे अब्बा के वो दोस्त है ना, राकेश गुप्ता जी, वही जो पटना में वकील थे, अब तो रिटायर हो गए। उनकी बेगम ने बहुत इज्जत से हमें अपने पास रखा। और जो तोहफे तुम हमारे वास्ते लाए वो कौन भिजवाइस? तुम्हारे सादतमंद बेटे यूं वकील की बीवी? वो तो बस अम्मा, अब उन सब की सफाई में एक लफ्ज भी मत कहना। साफ साफ क्यों नहीं कहती कि तुम्हारे चारों बेटों ने तुम्हें धक्के देके घर से निकाल दिया? अभी मत कहना कि ये सब झूठ है, क्योंकि ये सच है, कड़वा और नंगा सच, जिसे तुम्हारी ममता भी ढक नहीं सकी। जाओ, जाकर सो जाओ अम्मा, और अगर नींद नहीं आती ना तो जाकर स्वेटर बुन लो।
सोच रहे हैं आज तुम्हारे लिए महबूबी बना दें या फिर मंगूची, जो तुम बोलो। कितना काला काला हो रहा है तुम्हारी आंखों के नीचे, रात भर जाग जाके ये स्वेटर बुनती रहती हो ना। देख अम्मा, तेरा ये स्वेटर मुकम्मल हो रहा है। जी चाहता है कि इस बार हम तेरा ये स्वेटर उधेड़ दें। चाय पी ले मम्मी, ठंडी हो जाएगी। अम्मा, क्यों दिन रात जाग जाग के तो ये स्वेटर बुनती रहती है? क्यों अम्मा, क्यों बुनती है तू तो? बताना। बड़ा सहारा देता है ये हमें, बहुत हरस मिलती है हमें इससे। तुम्हारे अब्बा ने हमारे पास आना जाना छोड़ दिया, हमने स्वेटर बुनना शुरू कर दिया, बार बार स्वेटर बुनते फिर उधेड़ डालते, बड़ा मजा आने लगा था हमें, बहुत जी लगने लगा था हमरा। संजले ने डांटा, हमने सिलाइयां उठाई और जल्दी जल्दी शुरू कर दिया अपना काम। बड़ी निकाली थी हमने, बना बनाया स्वेटर उधेड़ कर रख दिया। लगता है खुदा ने हमें मोजज़ा दे दिया, अपने ही हाथों किसी को जिंदगी देते और फिर अपने ही हाथों जिंदगी को उधेड़ देते। ये बुनना और उधेड़ना भी तो ऐसा ही है ना, या फिर हमें लगता है। बोल ना मुन्नी, महबूबी या मंगोची? मंगोची। पता नहीं मुन्नी का दूल्हा यहाँ रुकने की इजाजत देगा या नहीं। क्या आएगा फिर पूरा कोठा सजा लेना यहां पे। मैं तुमसे कहा था ना मैंने तुमसे कि सिर्फ तुम और मैं और कोई नहीं। अलग कर दिया, महीने का खर्चा देता हूं, जिंदगी का एक उसूल है मेरा, हर काम शराफत के दायरे में, बदकारी भी शराफत के दायरे में। रुख्सत करो इसे, यहां से रुख्सत करो। हमने आपको बताया तो था कि अम्मा ने अपना पासपोर्ट चला दिया है।
पूरी तैयारी करके आई है हिंदुस्तान से, पासपोर्ट चला दिया है, सारी उम्र के लिए जेल में डलवा दूंगा इसे। सुनिए तो आजकल मैं बस एक दिन में भेजो से यहां से, बस इससे ज्यादा एक दिन में नहीं। फितरत नहीं बदल सकती तुम बासा। अच्छा हुआ तुमने पूरी बात खुद ही सुन ली। हम बताने से बच गए। मतली होती है परसों पुरानी बात को दोहराते हुए। ज़किया बेगम बिनते मतीनुल्लाह उर्फ मुन्नी, हम कह रहे हैं हम कि हमरा कोई रिश्ता नाता नहीं है किसी से, ना कोई हमरी माँ है और ना ही हम किसी की बिटिया। बड़े आए हैं पर सुबह जाग जाग के हिंदुस्तान से आ रहे हैं। बोटी बोटी दुआएं देती है ना तुम्हारी उस आदमी को जिसने हमें अरे खुद को खानदानी और शरीफ लोग कहते हो तुम लोग तो उस बाजार के लोगों से भी बदतर हो। तो तुम्हें बेच दिए थे पर वो हमका यकीन दिलाए थे कि शौकत भैया भले आदमी उनके दोस्त हैं। वो पाकिस्तान जाकर तुका किसी के निकाह में देकर अपने 80,000 वसूल कर लेंगे। बेचने की बात ना ही अच्छी लगी थी हमें पर ये बात अच्छी लगी थी कि तुम्हारा किसी अच्छी जगह भी आ जाएगा। सच्ची बात है मुन्नी, तुम्हारा भी कहा कसूर बहुत दंगा सच है। हम देखे हैं अपनी आंखों से, लोगों ने बेटियां तो का बीवियां तक बेच डाली गुर्बत के हाथों। खुदा गवाह है बाबू, तुम हमसे कसम उठवा लो, हम ना ही जानते थे कि तुम इस तरह किसी मर्द के साथ बगैर निकाह के। तुम्हारे अब्बा कहते थे
शेख बिहारियों में शादी हुई तुम्हारी बेटी की। बहुत ऊंचा खानदान है, सेठानियों की तरह खूब महंगी महंगी साड़ी पहने हैं हमरी मुन्नी। हमरा तो तुम जानती हो, हर एक की बात का झट से यकीन कर लेते हैं। अकल जो ना ही है रोले मुन्नी, एक बार हमारे गले लगकर जी भर के रोले फिर जान। हमें बाबू बात करेंगे हम उनसे। हिंदुस्तानी सफारतखाने में बहुत जान पहचान है उनकी, अभी तो बहुत गुस्से में थे, बात पे ठीक हो जाएंगे। Thank you.
बड़ी बात तुम्हारे सामने इसलिए दोहरा नहीं सकते कि अपने आप को पाताल में गिरा लेंगे ही बात कहकर। टीवी वन के निहायत दिलचस्प ड्रामों और एंटरटेनमेंट से भरपूर शोज किसी भी वक्त देखने के लिए हमारे यूट्यूब चैनल को सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन पर क्लिक करें।